So let us solve some problem related to the properties of definite integrals. तो इसमें हम सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x dx. तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x dx. उसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ a - x dx. तो इसका मतलब है यहां पर हमने क्या चेंज किया, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें लिमिट था 0 to a एफ एक्स डीएक्स, तो यहां पर जो एक्स टर्म है उसे राइट में हमें रिप्लेस किया है a - x. इसका मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस एक्स. तो अपने क्वेश्चन में अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 - x से. सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 1 - x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - फिर से x आया तो वहां पे हम रिप्लेस करेंगे 1 - x ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx. अभी हम इसे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, सो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 1 - x होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर से, कि जिसका आंसर आता है a² - 2ab + b² सो ऑन सेम लाइन 1 - x द होल स्क्वायर उसका आंसर आएगा 1 - 2x + x² ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी रूट के अंदर ब्रैकेट है उसे ओपन करते हैं, तो फर्स्ट टर्म 1 एज इट इज, देन माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों साइन चेंज होंगे, सो ऑन सिंप्लीफाइंग ब्रैकेट वी गेट -1 देन -(+x) इनटू dx. ऑब्जर्व किया तो यहां पर -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, सो वी लेफ्ट विथ इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 1 - 2x + x² इंटू रूट एक्स. अब रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x^(1/2) इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 वी राइट एज इट इज. देन अभी x^(½) से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, सो x^(½) × 1 तो हमें आंसर मिला x^(½). उसके बाद -2x × x^(½), तो यहां पर हम इंडाइसेस रूल अप्लाई करेंगे, x की पावर ऑब्जर्व की तो 1 है, सो 1 + ½ तो टोटल हो गया x^(3/2). उसके बाद x^(½) से हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर भी इंडाइसेस रूल से पावर ऐड होगी, दैट इज 2 + ½ कि जिसका आंसर हमें मिला x^(5/2). तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन. अब इंटायर टर्म को हम ब्रैकेट डालते हैं एंड देन इनटू dx. उसके बाद इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग पावर रूल, दैट इज x^(n) जिसका इंटीग्रेशन आता है x^(n+1) / n+1. सो ऑन सेम लाइन सबसे पहला टर्म है हमारा x^(½), तो ½ + 1 = 3/2, सो यहां पर हमें मिलेगा x^(3/2) / 3/2. देन -2 वी राइट एज इट इज,
अब पावर है 3/2, 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 5/2, सो वी गेट x रेज 5/2 अपॉन 5/2। उसके बाद है प्लस, x रेज टर्म 5/2 है, वहां पर हम प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा टर्म x रेज 7/2 अपॉन 7/2। तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रहा है। फिर इंटायर टर्म हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं एंड देन वी राइट लिमिट एज अ 0 to 1। उसके बाद जो डिवीजन में, दैट इज जो डिनोमिनेटर में टर्म है, उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं। सो 3/2 बिकम 2/3 इनटू एक्स रेज 3/2 पावर देन माइनस 2। 5/2 को हम न्यूमरेटर में लेंगे तो हो जाएगा 2/5 इनटू एक्स रेज 5/2 और उसके बाद प्लस 7/2 है, उसे अगर हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो हो जाएगा 2/7 एक्स रेज 7/2। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन वी राइट लिमिट 0 to 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे फॉर एक्स। तो हमारा अपर लिमिट क्या है, 1। तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम 1 को रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट 1 रेज 3/2 देन माइनस 2 × 2 हो गया 4 अपॉन 5। फिर एक्स को हमें रिप्लेस करना है 1 से तो हमें मिला 1 रेज 5/2। उसके बाद प्लस 2/7 वी राइट एज इट इज, एक्स को हमें रिप्लेस करना है 1 तो हमें आंसर मिलेगा 1 रेज 7/2। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट। उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट फॉर एक्स। अब यहां पर लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो वी राइट साइन माइनस इन नेक्स्ट ब्रैकेट 2/3 और x की जगह पे 0 रिप्लेस किया तो हो गया 0 रेज 3/2 देन माइनस 4/5। x को रिप्लेस करते हैं 0 तो हो गया 0 रेज 5/2 देन प्लस 2/7। फिर से x को रिप्लेस करते हैं 0 तो हो गया 0 रेज 7/2 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अभी 1 रेज एनी पावर वी गेट आंसर 1। सो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिला इज इक्वल टू 2/3 देन माइनस 4/5 एंड देन प्लस 2/7 और यहां पर सेकेंड ब्रैकेट में माइनस 0 रेज एनी पावर वी गेट आंसर 0। तो तीनों टर्म है वो टोटली हो जाएंगे 0। सो 0 माइनस 0 प्लस 0 तो सेकेंड ब्रैकेट यहां पर टोटली 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें खाली फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 3 है, सेकेंड का डिनोमिनेटर 5 है, थर्ड का डिनोमिनेटर 7 है। सो ऑल थ्री नंबर्स आर डिफरेंट तो यहाँ पर एलसीएम होगा 3 × 5 15, 15 × 7 दैट इज 105। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 7 That is 35 से। So 35 multiply by 2 तो हमें मिला आंसर 70 then minus। अभी second term है उसे हम multiply करेंगे 3 × 7 21 से। So 21 × 4 तो हो गया 84 और उसके बाद जो third term है उसे हम multiply करेंगे 3 × 5 15 से। So 15 × 2 तो उसका आंसर हो गया प्लस 30। उसके बाद इज इक्वल टू अब 70 + 30 दोनों का टोटल हो गया 100। 100 − 84 तो वहां से रह गया 16/105। सो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था इंटीग्रल 0 to 1 x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 − x dx जिसका आंसर हमें मिला 16/105।